प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा होता क्या, देखिए प्रेजेंट मीन्स होता वर्तमान और कॉन्टिन्यूअस मीन्स होता है लगातार, या इसको बोलते हैं हम जारी रखना, जारी रहना। और टेंस मीन्स होता है काल या समय। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार इसको हम कह सकते हैं कि हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, वर्तमान का जारी रखने वाला काल या समय। मीन्स जिस टेंस से हमें यह मालूम पड़ता है कि हमारे वर्तमान में कोई काम चल रहा है, कोई काम जारी लगातार है, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए दोस्तों, इसको हम जानते हैं दूसरे नाम से, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। इसका दूसरा नाम जो होता है हमारा, वो होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। देखिए दोस्तों, प्रोग्रेसिव मीन्स क्या होता है हमारा, प्रोग्रेसिव मीन्स जो अभी मतलब क्या हमारा उन्नतशील है, कहने मतलब जो हमारा काम अभी लगातार क्या है, जारी है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोनों का भाव हमारा क्या होता है, वर्तमान का जारी रखने वाला कोई काल या समय। अब देखिए दोस्तों, इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, कभी कभी इसमें ऐसे भी आता है हुआ है, हुई है, हुए हैं। ये तो इस प्रकार से हमारा देख लीजिए, इतना जो होता हमारा इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है। देखिए जैसे हमने कहा वह काम कर रहा है, वह काम कर रही है, वे काम कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ, ऐसा होगा। हमने कहा वह बैठा हुआ है, वह बैठी हुई है, वे बैठे हुए हैं, वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रही है, वे स्कूल जा रहे हैं, मैं स्कूल जा रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, वह सोया हुआ है, वह सोई हुई है, वे सोए हुए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा मालूम पड़ता है, देखिए ये दोनों भी हमारे जो ये जो हमारे लाइन्स लिखे गए हैं, हमारे तीनों जो हैं ये हमारे पहचान में, ये भी हमारे दिखाते हैं कि हमारा काम लगातार जारी हुआ है। जैसे अभी हमने कह दिया मैं खड़ा हुआ हूँ, वह खड़ी हुई है, वे खड़े हुए हैं, कहने का मतलब क्या, ये सब अभी अपना काम जो है रखे हैं जारी अवस्था में। तो इसलिए इसको हम बोल सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान भी। अब देखिए दोस्तों, इसका हम यूज कहाँ करते हैं, इस कॉन्टिन्यूअस टेंस की, इसका नॉर्मली हम यूज करते हैं सिर्फ दो ही जगह। एक जो होता है हमारा नॉर्मली चलता है आपका एक्शन में, मीन्स हमारा कोई काम जो होता है लगातार जारी होता है। एक दूसरा हमारा होता है यहाँ पर फ्यूचर प्लानिंग में, फ्यूचर प्लान। देखिए दोस्तों, फ्यूचर प्लान इसमें नॉर्मली आता है ओनली सिर्फ कार्य करना दिखाता है, ये दिखाता है कि भविष्य के मतलब विचार के बारे में, भविष्य का विचार। ये जैसे देखिए, इसको हम कह सकते हैं इसे वह काम कर रहा है, वह सो रहा है, वह पढ़ रहा है, वह कुछ भी कर रहा है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें दिखाता है कि जैसे मैं कल फैजाबाद जा रहा हूँ, मैं कल लखनऊ जा रहा हूँ, मैं कल यह काम कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये दिखाता है हमारा किसी भविष्य में होने वाली घटना दुर्घटना किसी कार्य की बात करता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं इसको हम लोग फ्यूचर प्लान। नॉर्मली जो होता है हमारा खास करके इसका यूज करते हैं हम लोग इसी एक्शन में और इन दोनों में। तो देखिए दोस्तों, ये खास करके हमारा जो था ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हमारा जो नॉर्मल पहचान के रूप में था ये। आगे देखते हैं हम लोग, अब देखिए दोस्तों इसके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा हम लोग। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करते हैं, इसमें कोई खास रूल या कोई नियम नहीं है, इसको हम नॉर्मली पढ़ेंगे आप लोग को बढ़िया समझ में भी आएगा, ऐसे कोई बात नहीं है। देखिए सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, सेंटेंसेज। इसको बोलते हैं हम लोग साधारण वाक्य। देखिए दोस्तों, कल पढ़ाया गया था आपको पिछले वीडियो में कि हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है, उसको थोड़ा सा बढ़िया देख लीजिएगा जाकर के आप लोग, साधारण वाक्य। अब देखिए इसको हम लोग कई नाम से जानते हो, कल बता दिया गया आपको पहले ही। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा जो होता है खास कर दिखाता है साधारण वाक्य की बात करता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है हमारा अफर्मेटिव में, सब्जेक्ट होता है इज, आई एम, आर, इसके बाद में और इसके बाद में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस इसमें देखिए दोस्तों हमारा आता है आई एन जी फॉर्म, जिसे कहते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं मेन वर्ब का
मेन वर्ब का इसको हम बोलते हैं फिफ्थ फॉर्म, ईएमवी का फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं इसको हम लोग। इसके बाद में यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू, कॉम्प्लीमेंट एंड ईटीसी। अब देखिए दोस्तों, कल बताया गया था आपको सब्जेक्ट क्या होता है, इज एम आर तो कल बताया नहीं गया था, ये बताया गया पहले वीडियो में आपको, और ये सब चीज़ें बताई गई थी कल आपको। तो देखिए खास करके हमारा इज एम आर का हम लोग यूज कैसे कैसे कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब कभी भी आपका यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट कोई भी आएगा, जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट या कोई सिंगुलर नाउन आएगा तो उसके साथ में हमारा आएगा इज, जिसमें हमारा यहाँ पे आ सकता है ही, सी, इट, या कोई हमारे यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट जो कि हमारा एक ही होता है। जब कभी भी हमारा सब्जेक्ट एक ही, हमारा नाउन एक ही है, तो उसके लिए वहाँ पे यूज करेंगे इज का। और देखिए दोस्तों, जब कभी भी हमारे यहाँ पे आएगा कोई प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसके लिए हमारा आएगा यहाँ पे आर। जैसे इसमें हमारा आएगा यहाँ पे, देखिए आई तो इसमें आएगा नहीं हमारा, इसमें आएगा हमारा यू, वी, दे, प्लस यहाँ पे कोई आएगा प्लूरल सब्जेक्ट या नाउन, इस प्रकार से हमारा यहाँ पे आएगा। तो देखिए दोस्तों, नॉर्मली जो होता है हमारा इज का प्रयोग होता है आपका इनके साथ में, आर का होता है इनके साथ में, और जो हमारा आई होता है, आई का हम यूज करते हैं, सॉरी दोस्तों, आई एम का हम यूज करते हैं आई के साथ में। तो ये हो गया। तो देखिए दोस्तों, नॉर्मली जो होता है हमें इससे प्रॉब्लम होती है इज एम आर का सही यूज करना। ध्यान रखिएगा आप लोग, जब कभी भी हमारे इतने सब्जेक्ट आएंगे तो उनके साथ में इज आएगा, इन सब्जेक्ट के साथ में हमारा आएगा आर, और आई के साथ में आएगा आई एम। तो देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा बढ़िया समझ भी लीजिएगा, आप लोग याद भी कर लीजिएगा। तो इसको हम रिमूव करते हैं अभी यहाँ से। अब बात करते हैं एग्जांपल्स की हम लोग। जैसे यहाँ पे एग्जांपल की बात करते हैं हम लोग, हमने कहा हुआ है खेल रहा है, ये देखिए वह खेल रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो होता है अभी खेलने का हमारा क्या है, अभी वो जारी है, मींस कहने मतलब अभी ये काम पूरा नहीं है, इंडिफिनिट भी नहीं है, ये अभी खेलने का काम क्या जारी रखा है। तो देखिए सबसे पहले इसमें हमारा आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में आता है इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, सॉरी दोस्तों, सब्जेक्ट इज एम आर, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में हमारा यहाँ पे आई एन जी आएगा, देन हमारा यहाँ पे अदर वर्ड आएगा जो भी आएगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग चूज करेंगे, ये हमारा होगा सब्जेक्ट। कल बताया गया सब्जेक्ट का हम भाव निकालते हैं हमेशा कौन से, कौन से, जब कभी भी हम इस सेंटेंस से पूरे से पूछते हैं कि इसमें काम कौन कर रहा है, तो बोलता है कि हाँ काम वह कर रहा है, कहने का मतलब वह खेल रहा है, कौन खेल रहा है, तो वह हमारा सब्जेक्ट है। ये कर क्या रहा है, ये खेल रहा है। देखिए दोस्तों, जब कभी भी कोई भी सब्जेक्ट हमारा जो कोई भी काम करेगा उसको बोलते हैं हम लोग वर्ब। तो ये हो गया हमारा मेन वर्ब, ये देख लीजिए। और जो हमारा इज एम आर होता है इसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, जो कि हमारा खास करके होता है इज एम आर। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले इसमें हम यूज करते हैं, हमारा सब्जेक्ट आएगा। अब देखिए हमारा सब बताया गया था आपको कि वह के लिए हमारा ही और सी दोनों आता है, जबकि हमारा ही मेल और सी फीमेल है, तो यहाँ पे इसके लिए आएगा ही। उसके बाद में देखिए इसमें से हमारा नंबर टू, मतलब कहने मतलब हो सकते हैं यहाँ पे हम लोग, ये हमारा नंबर वन स्टेप है, ये नंबर टू स्टेप है, ये नंबर थ्री स्टेप है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारी सहायक क्रिया आएंगी, उसके बाद में हमारा यहाँ पे वर्ब आएगा। तो लिखते हैं यहाँ पे, पहले हमारा आ गया ही, उसके बाद में इज एम आर आएगा। देखिए दोस्तों, पीछे बताया गया था आपको कि ही के साथ में हमारा आएगा यहाँ पे इज, उसके बाद वर्ब। इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारा वर्ब क्या है, प्ले। देखिए प्ले मीन्स होता है हमारा खेलना, देखिए इस खेलने के लिए हमारा आ गया प्ले, और इस रहा के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे आई एन जी। तो क्या हो गया हमारा, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। जैसे हमने कहा मैं पढ़ रहा हूँ, ये देख लीजिए मैं पढ़ रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे बताया गया था आपको कि आई के साथ में हमारी सहायक क्रिया आएगी आई एम। आई एम हमारा वर्ब क्या है, देखिए रीड मीन्स होता है पढ़ना, और इस रहा के लिए हमारा आएगा रीडिंग, आई एम रीडिंग। हमने कहा वह खाना पका रही है, ये देखिए। तो देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट हमारे इसमें क्या है, कहा गया वह हमारा सब्जेक्ट है। इज एम आर हमारा एच बी सहायक क्रियाएँ, जो कि हमारा खास करके होता है इज एम आर, ही हमारे होते हैं एच बी। और खाना जो हमारे पूछते हैं हम क्या, कहने का मतलब हमारा सब्जेक्ट जो कोई भी काम करता है, जिस पे काम करता है, वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमारा खाना यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और पका रही हमारा पूरा हमारा क्या, आपका मेन वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म है प्लस यहाँ पे हम यूज करेंगे साथ में इसके आईएनजी, तो ये हो गया हमारा। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से मैं इन पूरे को जो है इसके अनुसार से ला करके यहाँ पे सेट कर दिया। तो पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा यहाँ पे सी। अब देखिए सी के लिए हमारे साइकिल क्या बताया गया पीछे आपको, ये जाएगा। उसके बाद हमारा वर्ब क्या आएगा यहाँ पे, कुक मीन्स होता है पकाना और रहा मीन्स होता है रही मीन्स होता है आईएनजी। सी इज कुकिंग, क्या पका रही, खाना द फूड। ये तो देखिए सबसे पहले इसमें हमारा सब्जेक्ट आ गया, इज एम आर आ गया, कोई से यहाँ पे सहायक क्रिया हमारी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, आईएनजी आ गया इसका, देन हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया। तो देखिए दोस्तों नॉर्मली इस प्रकार से इसका अफर्मेटिव सेंटेंस जो हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोई भी एग्जांपल आप लोग देख लीजिए, चाहे जो भी एग्जांपल होगा उसको हमें सॉल्व करना इसी प्रकार से। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया मोहन और सोहन अपना काम कर रहे हैं। ये देखिए तो यहाँ पे कौन कौन काम कर रहा है, मोहन और सोहन अपना काम कर रहे हैं। देखिए दोस्तों इसमें जो होता है हमारे दोनों सब्जेक्ट हैं, क्योंकि ये दोनों अभी काम करने में लगे हुए हैं। तो जब हम बोलते हैं इसमें काम कौन कर रहा है, तो काम कौन कर रहा है, मोहन और सोहन दोनों कर रहे हैं, तो इसको मानेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट। इसके बाद में हमारा जो ये है इसको बोलते हैं हम लोग एच बी, और ये क्या काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। देखिए दोस्तों जब कभी भी हम सेंटेंस में पूछते हैं क्या कि हमारा सब्जेक्ट क्या कर रहा है, तो हमारा अलग होता है काम कर रहा है, लेकिन वो किस पे काम कर रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो होता है हमारा ये, प्लस हमारा सब्जेक्ट कर क्या रहा है, वो क्या कर रहा है अभी यहाँ पे, देखिए काम कर रहा है। तो देखिए हमारा करना हमारा इतना क्या हो गया, ये हो गया हमारा मेन वर्ब हो गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अपना आया है, थोड़ा ध्यान देते हैं इसके अपने के लिए हम लोग। देखिए दोस्तों जब कभी भी हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा ही, तो उसके अपने के लिए आएगा हीज, सी के लिए अपने के लिए आएगा हर, यू के अपने के लिए आएगा योर, दे के अपने के लिए आएगा दियर, वी के अपने के लिए आएगा आवर, दे के अपने के लिए होगी हमारा आई बी यू दे, देखिए आई के अपने के लिए आएगा माई, तो ही सी इट, देखिए दोस्तों इट के अपने के लिए आएगा यहाँ पे इट्स। और जब कभी भी हमारा कोई सब्जेक्ट सिंगुलर में आता है, अगर मेल में रहेगा मेल के लिए सिंगुलर के लिए मेल, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमारा यहाँ पे आएगा हिज, और फीमेल सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमारा यहाँ पे आएगा हर। यदि हमारा कोई सब्जेक्ट आता है प्लुरल में, इसमें कहते हैं हम लोग एक से अधिक लोग होते हैं, इसे हमने कहा द बॉयज द गर्ल्स, तो इसके अपने के लिए आएगा यहाँ पे दियर। तो देखिए दोस्तों ये पहला जो है हमारा, ये सब जो है पहली वीडियो में बढ़िया बताया गया आपको, तो जा करके उसको आप लोग देख लीजिएगा। ये तो देखिए यहाँ पे ही के लिए हिज, सी के लिए हर, यू के लिए योर, दे के लिए दियर, वी के लिए आवर, आई के लिए माई, तो इस प्रकार से अपने के लिए यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या हमारा क्या, हमारा मोहन और सोहन दोनों सब्जेक्ट हैं, तो मोहन एंड सोहन। अब देखिए दोस्तों इसमें हमारा सब्जेक्ट जो एक से अधिक है, तो इसको मानते हैं प्लूरल, तो इसके लिए हमारी सहायक क्रिया क्या आएगी, आर। मोहन एंड सोहन आर कर क्या रहे हैं, देखिए यहाँ बताएगा डूइंग। देखिए डू मीन्स जब कोई काम करते हैं, तो उस करने के लिए हमारा जो वर्ब होता है वो डू आता है, और इस रही के लिए आएगा आईएनजी डूइंग। और कर क्या रहे हैं अपना काम, देखिए दोस्तों जब कभी भी हमारा सब्जेक्ट एक से अधिक होगा, इसको हम मानते हैं प्लूरल, तो इसके अपने के लिए हमेशा यहाँ पर आता है दियर, दियर वर्क। ये जैसे अभी हमने यहाँ पे कहा वह अपना कपड़ा धुल रही है, ये देखिए तो यहाँ पे कौन धुल रहा है, वह, तो सी सहायक क्रिया हमारी आएगी इज, सी इज, वर्ब क्या है वॉशिंग, धुल रही है, और क्या धुल रही, अपना कपड़ा के लिए यहाँ पे आएगा हर क्लॉथ्स। देखिए दोस्तों सी के साथ अपने के लिए आएगा यहाँ पे हर, तो ये हो गया हमारा, तो सी इज वॉशिंग हर क्लॉथ्स। देखिए दोस्तों इसका एक स्टेप होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद में पीछे से हम लोग नंबर वाइज जो होता है चले आते हैं, तो हमारा पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। कहने का मतलब सबसे पहले इसको हम मानते हैं वन, इसको मानते हैं टू, इसको मानते हैं थ्री, इसको मानते हैं फोर। तो देखिए सबसे पहले वन स्टेप आ गया हमारा, फिर हमारा टू स्टेप आ गया, थ्री आ गया, एंड हमारा फोर स्टेप आ गया। तो इसको इस प्रकार से भी टेंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, सबसे आसान तरीका है।
ओके दोस्तों, तो हम लोग आके इसके निगेटिव सेंटेंस में आते हैं हम लोग। अब इसको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से, अफर्मेटिव सेंटेंस जो लिखा गया है। देखिए निगेटिव सेंटेंस, देखिए निगेटिव मीन्स होता है हिंदी में नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। देखिए दोस्तों निगेटिव में कुछ भी अचेंज नहीं करना होता हमें, बस हमें अपनी सहायक क्रिया के बाद में हमें यहाँ लगा देना होता है नॉट। ये देख लीजिए, ये इतना चेंज करना है बस। मीन्स सब्जेक्ट आएगा, इज एम आर हमारी सहायक क्रिया आएंगी, उसके बाद नॉट आएगा, आगे हमारा पूरा का पूरा हमारा वही आएगा सेम। जैसे हमने इसमें लिखा एग्जाम्पल में, वह वहाँ नहीं जा रही है, ये देख लीजिए। तो इसमें निगेटिव आ गया हमारा और सब कुछ हमारा सेम, पहले तरीका है। तो सी चलते हैं पीछे हम लोग, इज निगेटिव में आएगा नॉट, सी इज नॉट, वर्ब क्या है गोइंग, सी इज नॉट गोइंग, उसके बाद में आ गया यहाँ पे देयर। ये तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें हमारा सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब हमारा आ गया, नॉट आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, आई एन जी आ गया, देन उसके बाद हमारा कॉम्प्लीमेंट आ गया। हमने कहा अध्यापक आज बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे आएगा कौन नहीं पढ़ा रहा, अध्यापक, इसके लिए आएगा द टीचर, सब्जेक्ट है। उसके बाद में चलते हैं पीछे, देखें दोस्तों जब कभी किसी को हम सम्मान देते हैं अपने से बड़ों के लिए, तो यहाँ पे लिखते हैं हिंदी में है, लेकिन सहायक क्रिया इसके लिए यहाँ पे आती है इज, इस हैं के लिए यहाँ पे आएगा। जब कभी भी हम किसी को अपने से बड़े सम्मान देते हैं तो उसको हम मानते हैं यहाँ पे हैं, क्योंकि सम्मान के लिए आते, लेकिन सहायक क्रिया हमारे यहाँ पे इसके इंग्लिश में इज ही आएगा। द टीचर इज वर्ब क्या है, सहायक वो नॉट हमारे यहाँ पे आएगा। द टीचर इज नॉट वर्ब क्या, पढ़ा रहे हैं टीचिंग, और किसको पढ़ा रहे हैं, देखें दोस्तों किसको इसका निकलता है, हमारा निकलता है ऑब्जेक्ट, किसको पढ़ा रहे हैं बच्चों को, टू द चिल्ड्रन, और कब पढ़ा रहे हैं आज, ये हो गया द टीचर इज नॉट टीचिंग टू द चिल्ड्रन और टूडे। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से इसको हम नेगेटिव में सॉल्व कर सकते हैं। नेगेटिव में कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ आपको लगा देना इज एम आर के बाद के नॉट लगा देना, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। आप अब देखिए दोस्तों इंट्रोगेटिव में क्या करना है, हमें ज़्यादा उसमें कुछ चेंज नहीं करना है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो ज़्यादा कुछ याद करने में। देखिए इंट्रोगेटिव कल पढ़ाया गया था आपको, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे होते क्या हैं उसको अगर थोड़ा देख लीजिएगा बढ़िया से आप लोग इंट्रोगेटिव। अब देखिए इंट्रोगेटिव में हम पढ़ के आ रहे हैं, इंट्रोगेटिव में पढ़ रहे हैं हम लोग यस या नो टाइप, यस या नो टाइप सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। देखिए और इसको हम लोग बोलते हैं अपनी तरफ से वाक्य में क्या पहले आए तो, वाक्य में क्या पहले आए तो। ये देखिए दोस्तों जब कभी भी हमारा किसी भी सेंटेंस में वाक्य में क्या पहले आता है तो उसको बोलते हैं हम लोग यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करना होता है, सबसे पहले हमारी सहायक क्रियाएं होती हैं ये सब्जेक्ट के पहले आती हैं, उसके बाद में हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर साथ में उसके बाद में आता है। जैसे लिखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या वह स्नान कर रहा है, ये देख लीजिए दोस्तों कर रहा है, लास्ट में इसमें इंट्रोगेटिव हमारा आएगा, यहाँ पर भी इंट्रोगेटिव हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा, और प्लस देखिए दोस्तों यहाँ पे इंट्रोगेटिव के लिए हम लिख देंगे यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य। ये इस प्रकार से हो गया हमारा इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें हम कुछ प्रश्न पूछने का काम करते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पे क्या वह स्नान कर रहा है, देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या आया, तो जब कभी भी वाक्य में क्या पहले आएगा तो इसके लिए हमें यहाँ पे व्हाट नहीं लिखना है, यहाँ पे इसके स्थान पे इन प्लेस ऑफ दिस वर्ड हमें यूज करना ला करके यहाँ पे इसकी सहायक क्रिया। तो देखिए दोस्तों सहायक क्रिया हमारी कैसे आती हैं, पीछे बताया गया आपको, सबसे पहले इसके लिए लिखना होता है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यदि हमारा सिंगुलर है तो इसके लिए जाएगा प्लूरल के लिए हमारा आएगा आर, और आई के साथ मीन्स मैं के लिए आएगा यहाँ पे आई एम, तो वह लिखा तो इसके लिए सहायक क्रिया हमारी आएगी यहाँ पे इज। उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप क्या, इसका हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा ही, निगेटिव नहीं छोड़ देंगे नॉट इसको हम लोग, वर्ब हमारा क्या है क्या कर रहा, स्नान कर रहा, देखिए पूरा हमारा ये वर्ब है, यहाँ पे आएगा हमारा बाथ,
लगाने से मिला गया हमें आई एन जी बाथिंग, इज ही बाथिंग, क्या वह स्नान कर रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। ये देखिए तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले लगाना होता है हमें यहाँ पे इज, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में अगर नेगेटिव हो तो नॉट आएगा, नहीं तो हमारा वर्ब आएगा, उसके बाद में इसका आई एन जी फॉर्म आएगा, जो कुछ भी आ गया है हमारे यहाँ पे उसको हम ऐड कर देंगे। आगे लिखते हैं हम लोग एग्जाम्पल, हमने कहा क्या वह लड़की रो रही है, रो रही है। ये देखिए, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गया क्या वह लड़की, देख लीजिए ये, तो इसको बोलते हैं जब कभी भी हमारा इस सब्जेक्ट के बाद में, इस नाउन के बाद में कोई हमारा प्रोनाउन आता है तो इसको बोलते हैं हम डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मीन्स इसको बोलते हैं हम संकेतवाचक सर्वनाम। तो देखिए दोस्तों जब कभी भी ऐसा होगा तो यहाँ पे देखते हैं, इसके लिए हम लोग रूल पीछे बताया गया था आपको ये भी, अगर इसे लिखा गया हमारा लिखा है वह लड़की, तो इसके लिए हमारे यहाँ पे आएगा दैट गर्ल। ये देख लीजिए आप कुछ भी लिखते हैं हम लोग वह लड़की लड़का, तो कुछ भी आएगा दैट गर्ल, दैट बॉय, दैट बुक, कुछ भी यहाँ पे आएगा। हमने कहते यह लड़का तो इसके लिए आएगा दिस बॉय, हमने कह दिया यह बुक दिस बुक, यह लड़की दिस गर्ल, हमने कह दिया ये लड़के तो इसके लिए क्या आएगा दीज बॉयज। ये देखिए दोस्तों अगर हमने कह दिया वे लड़के तो इसके लिए हमारा आएगा यहाँ पे दोज बॉयज। ये इस वे के लिए हमें यहाँ पे दे नहीं यूज करना, दे हमारा गलत होता, तो इस प्रकार से इसको हम लोग डेमोंस्ट्रेटिव समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों सब चीज़ें हमारे सब पता है पहले ही आपको सब्जेक्ट में, मतलब वीडियो में जाकर थोड़ा उसको देख लीजिएगा बढ़िया से आप लोग, इसलिए आते हैं यहाँ पे हम लोग बता नहीं रहे इसको अभी यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे इसके लिए देखिए ये तो बता ही दिया आपका सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, लेकिन यहाँ पे जो बताया गया आपको वह लड़की, इसके लिए थोड़ा ध्यान देना विशेष खा करके आपको इस प्रकार से यहाँ पे आके चेंज कर देना इसको। तो देखिए सबसे पहले यहाँ देखते हैं हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, तो इसके लिए हमारी सहायक क्रिया आएगी इज, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा यहाँ पे दैट गर्ल, दैट गर्ल। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम सी गर्ल नहीं कर सकते हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद इसमें नॉट नहीं छोड़ देंगे हम लोग, वर्ब क्या है वीप या क्राइंग, तो यहाँ पे आएगा वीपिंग, तो आएगा आ गया आपका इज दैट गर्ल वीपिंग, क्या वो लड़की रो रही। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से इसको हम इंट्रोगेटिव में भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई टफनेस नहीं है। तो देखिए दोस्तों खास करके आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी वाक्य में क्या पहले आएगा तो सबसे पहले क्या करना है हमें सब्जेक्ट के पहले लगाना ला करके यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में पूरा का पूरा हमारा रूल जो है वही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यदि आपका इसमें कभी भी नॉट आता, नॉट हमारा कहाँ पर आएगा इस सब्जेक्ट के बाद में आएगा और कहीं नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हम समझ लेते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी, आगे बढ़ते हैं अब, इसको याद कर लीजिएगा बढ़िया से, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए दोस्तों ये सब। ये पूरा इरेज कर देते हैं हम लोग अभी, देखिए आगे पढ़ते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यू एस टाइप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यू एच टाइप। ये देखिए दोस्तों इसको बोलते हैं हम लोग प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो, इसमें जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं मीन्स ये जो होते हैं हमारे सेंटेंस के बीच में आते हैं, जैसे कब क्यों कैसे कहाँ कितना कितने कितने क्या हमारा सब बीच में आता है, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पर डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन वर्ड वाले हमारे जो सेंटेंस होते हैं सब। तो इसके लिए हमारा देखिए स्ट्रक्चर क्या आएगा, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड आएगा और पूरा का पूरा हमारा जो होता है वही आएगा, स्ट्रक्चर पहले भी आया था इज आई एम आर, सब्जेक्ट आएगा अगर, उसके बाद नॉट आएगा, फिर आएगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी हो गया, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से, अब देखिए एक क्यू डब्ल्यू मीन्स होता है हमारा क्वेश्चन वर्ड जो कि हमारे होते हैं प्रश्नवाचक शब्द, जैसे हमने लिखा हुआ है कहाँ जा रही है, ये देख लीजिए। अब देखिए इसमें हमारा जो क्वेश्चन वर्ड था हमारा ये बीच में आ गया, हिंदी में तो आएगा बीच में लेकिन इंग्लिश में हमारा सबसे पहले आएगा, तो इसके लिए हमारा आएगा यहाँ पे वेयर, उसके बाद हमारे सहायक क्रिया यहाँ पे क्या आएगी इसके अनुसार से इज, फिर सब्जेक्ट आएगा यहाँ पे सी, वर्ब क्या है जा रही है सी इज,
गोइंग, ये देख लीजिए इस प्रकार से हो गया। तो वेयर इज सी गोइंग, वह कहाँ जा रही है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया, फिर हमारी सहायक क्रिया आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर हमारा आकर के यहाँ पे लग गया वर्ब। हमने कहा हुआ है बच्चा क्यों रो रहा है, ये देख लीजिए। तो पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा वाई, बच्चा एक ही है दैट, वाई इज सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे आएगा दैट बॉय, वर्ब आएगा यहाँ पे वीपिंग या क्राइंग। तो इस प्रकार से इसको हम चेंज कर सकते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी। जैसे हमने लिख दिया वहाँ कितना या कितने बच्चे खेल रहे हैं, वहाँ कितने बच्चे खेल रहे हैं। देखिए दोस्तों जब कभी भी हमारा सेंटेंस में कितना कितने कितने आता है तो देखिए यहाँ पर बताया गया आपको हाउ मच और हाउ मैनी, हमारे यहाँ पे दो वर्ड आते हैं हाउ मैनी एंड हाउ मच। देखिए दोस्तों हाउ मैनी जो हमारा आता है आता है काउंटेबल नाउन के लिए, जहाँ पे हम गिन सकते हैं अपने नाउन को अपने सब्जेक्ट को, ये हमारा आता है अनकाउंटेबल नाउन, जहाँ पे हम गिन नहीं पाते हैं, जो हमारा अगर नहीं होता। देखिए तो देखिए दोस्तों जब कभी भी अपने हम नाउन सब्जेक्ट को गिन पाएंगे तो उसके लिए हमारा आएगा हाउ मैनी, और नहीं गिन पाएंगे तो उसके लिए हमारा आएगा हाउ मच। और दोस्तों ध्यान रखिएगा जब कभी भी हमारे हाउ मैनी और हाउ मच आते हैं तो इसका नाउन सब्जेक्ट जो होता है हमारा साथ में इसके हमेशा यहाँ पर आता है, ये देख लीजिए सब्जेक्ट मान लेते हैं चाहे इसको बोल देते हैं हम लोग नाउन, ये हमेशा साथ में इसके आएगा। तो यहाँ पे पूरा पूछने काम करता कितने बच्चे, देखिए ये पूरा बन गया करके हमारे यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में जो कुछ भी आएगा हमारा इसके अनुसार से आएगा। देखिए तो हाउ मैनी यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं बच्चों को, इसलिए हमारे यहाँ पे हाउ मैनी आएगा। हाउ मैनी अब देखिए बच्चे आएगा चिल्ड्रन, इसमें दाने लगाएंगे हम लोग हाउ मैनी चिल्ड्रन। अब यहाँ पे सहायक क्रिया देखिए दोस्तों, इसमें हमारी सहायक क्रिया आएगी बच्चे यहाँ पे आने का, इसके लिए आएगा आर, हाउ मैनी चिल्ड्रन आर, वर्ब क्या है प्लेइंग, और कहाँ खेल रहे हैं वहाँ देयर, ये इसमें सब्जेक्ट नहीं तो इसको यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। देखिए हमारा हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर आर प्लेइंग देयर, तो इसको इस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं इंग्लिश में। तो देखिए दोस्तों जब कभी भी अपने हम नाउन को गिन पाएंगे तो उसके लिए हाउ मैनी आएगा, नहीं गिन पाएंगे तो उसके लिए आएगा हाउ मच, लेकिन इसका जो नाउन होता है वो हमेशा साथ में आता है इनके। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमने कहा वह कितना पानी पी रहा है, ये देख लीजिए वह कितना पानी पी रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो होता है हम काउंट नहीं कर पाते हैं पानी के लिए, देखिए तो इसीलिए हमारा पूरा होता है कितना पानी, हमारा क्वेश्चन वर्ड आ गया जो हमारा इसमें आएगा हाउ मच के साथ में। हमने कहा हाउ मच क्योंकि यहाँ पे गिन नहीं पाएंगे हम लोग, हाउ मच वाटर कितना पानी, इसमें नाउन हमारा सिंगुलर है इज ही। अब देखिए यहाँ पे पानी के लिए हमारा आएगा ड्रिंकिंग, वर्ब जो आएगा ड्रिंकिंग आएगा, तो हाउ मच वाटर इज ही ड्रिंकिंग। तो दोस्तों इस प्रकार से इसको हम चेंज कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे कहा वहाँ कौन खेल रहा है, ये देख लीजिए वहाँ कौन खेल है। देखिए दोस्तों कल बताया गया था कौन का जो हमारा सब्जेक्ट जब कभी भी यहाँ पे हमारा सेंटेंस आएगा तो इसको ला करके सॉल्व करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के अनुसार से। तो हमारा यहाँ पे आएगा हु, सब्जेक्ट आएगा इज प्लेइंग, हु इज प्लेइंग, और दे आर वहाँ, या अफर्मेटिव का रूल है दोस्तों। सबसे पहले हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, फिर इज एम आर आ गया, वर्ब आ गया, देन हमारे यहाँ पे अदर वर्ड आ गया। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। तो दोस्तों कोई भी अगर दिक्कत आती है आप लोग तो कमेंट कर दीजिए, इसके लिए पूछिएगा हमसे आप। ओके दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।